हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। चलिए देख लेते हैं वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पीपल के लिए इस न्यू मून में क्या मैसेजेस है हमारे प्यारे से गनु जी की तरफ से। थैंक यू सो मच वाटर साइन के लिए। वाओ, अभी से ही मैसेजेस आना स्टार्ट हो रहा है। आपका जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है। मतलब आई फील लाइक आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मतलब बहुत दिनों से आपने वेट किया है इस चीज़ के ऊपर, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ये ब्लेसिंग्स दी जा रही है। थैंक यू सो मच। आपका जो एनर्जी है ना, बहुत पॉजिटिव मैं फील कर पा रही हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। एंड हियर वी वो हमारे प्यारे से गणु जी का नाम लेके हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। एंड ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। सी, ओके, नथिंग इज सेट येट इन स्टोन। ओके, balance spirituality and practicality. okay, bring love into the situation. very nice. okay, expect powerful changes. see, मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको फाइनली आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपका डिज़ायर है, वो मुझे फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे है, एक तो है यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी अभी राइट नाउ आपको जैसा भी सिचुएशन दिख रहा है, या पिछले कुछ दिनों से कुछ भी सिचुएशन दिख रहा था आपको, नेगेटिव या डाउन सिचुएशन दिख रहा था, या ऑपोजिट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, ऑपोजिट ऑफ योर डिज़ायर वाला जो सिचुएशन था वो आपको दिख रहा था, लेकिन इस न्यू मून के टाइम से आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपको कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट कीजिए कि ऑब्वियसली होगा, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। जो भी नेगेटिव सिचुएशन था, जो भी टफ सिचुएशन था, उस सिचुएशन को हील कीजिए, उस सिचुएशन को फर्गिव करने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर को भी, सिर्फ पर्सन को क्यों, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस टफ सिचुएशन को आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग देने के लिए, उस चीज़ को फर्गिव करने के लिए, कि ये माफ़ कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आई फील लाइक आपको मेडिटेशन या मंत्रा चैंटिंग की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली स्विच वर्ड। मुझे ये सुनाई दिया कि स्विच वर्ड आप यूज़ कीजिए, अपना जो भी, अपने लाइफ में जो भी चेंजेस लाना चाहते हो, स्विच वर्ड यूज, स्विच वर्ड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका जो इमोशंस है ना, वो बहुत ही हैप्पी इमोशन मुझे फील हो रहा है, कि आपका जो इमोशन है ना, बड़ा मस्त इमोशन है। थैंक यू सो मच। हाँ, सी, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। और क्या, सी, मैसेजेस अपने आप आ रही है। थैंक यू सो मच। ओके, एंड हियर वी गो। आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल रहा है अपने डिज़ायर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल रहा है अपने डिज़ायर तक पहुंचने के लिए। आपको कहा जा रहा है उस सॉल्यूशन के ऊपर एकदम ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप अपने डिज़ायर तक पहुंच जाओ।
मैंने कहा ना आपका जो एनर्जी वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी एनर्जी फील हो रही है। देखिए आप डिसीशंस लेना सीख रहे हो, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। वाओ वेरी नाइस। जो चीज़ चाहिए आपको चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए आप कह रहे हो नो। वेरी नाइस। क्वीन ऑफ कप्स, आप हील हो रहे हो। मैंने कहा ना कि सिचुएशन में हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप स्विच वर्ड यूज़ कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप हील हो रहे हो। वैसे भी मैं वाटर जोडियक साइन के ऊपर ही ये रीडिंग कर रही हूँ एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है। थैंक यू सेलिब्रेशन, टोल्ड यू। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। पहले ही मैंने कहा यहाँ पे सेलिब्रेशन है। आपका जो एनर्जी है मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। यहाँ पे रीयूनियन है, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको फाइनली मिल रही है। आई फील लाइक यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप बहुत दिनों से कोई जॉब ट्राई कर रहे थे वो आपको मिल रहा है। आप फाइनेंशियली कुछ चीज़ चाह रहे थे कि आप खरीदना चाह रहे थे कुछ चीज़, ठीक है, लेकिन आपके पास उतना सफिशियंट मनी नहीं था, लेकिन आपको इस वक्त में वो मिल रहा है एंड यू फील वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। वाओ वेरी नाइस। आपने जो चीज़ यूनिवर्स को दिया है, जो प्यार दिया है, जो पेशेंस दिया है, जो ट्रस्ट दिखाया है यूनिवर्स के ऊपर ना, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जस्टिस है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर। आप कैंडल मेडिटेशंस भी कर रहे हो। आई फील लाइक अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि करो, ठीक है, कैंडल मेडिटेशन करो। मुझे यहाँ पे हेयर ग्रोथ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे वॉल्यूमाइज दिख रहा है। आपका जो हेयर है ना वो वॉल्यूमाइज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि अपने बालों को ना थोड़ा सा खुला रखो। आप बहुत बांध के रखते हो बालों को, उसको थोड़ा सा एटलीस्ट दिन में 2 to 3 hours खोल के रखो, ठीक है। जब आप सोने जाते हो उस वक्त खोलने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जब आप ऐसे ही लेटे हुए हो या कोई और काम कर रहे हो, बैठे बैठे कोई काम कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है अपने हेयर्स को ओपन रखें, ठीक है। यहाँ पे मुझे पहले ही मैंने बताया कि आपका एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही प्लेफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेशन है। आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करो एंड आपके मन में ना ये चीज़ आएगा कि यस मैंने कर दिखाया, ये चीज़ मैंने कर दिखाया। ये स्पेशली ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप ये कहने वाले हो कि आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, ठीक है। ओके, तो टैरो कार्ड से ये कुछ मैसेजेस हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे प्यारे से गन्नू जी के कार्ड से क्या मैसेजेस आपको दिया जा रहा है इस न्यू मून में। थैंक यू सो मच। आप बहुत कुछ सीखे हो लास्ट 8 to 9 months, मैं एक साल ही पकड़ लेती हूँ, ठीक है। आप एक साल में ना बहुत कुछ सीखे हो, अपने ऊपर कैसे काम करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप अपना वैल्यू भी बहुत इंक्रीज कर चुके हो। थैंक यू सो मच। क्रिएटिव ब्लॉक्स, ओके, क्या मैसेजेस है। इफ यू आर एन आर्टिस्ट ऑफ एनी काइंड यू कैन ऑफर ऑल वर्क टू द डिवाइन। आप जो भी काम कर रहे हो डिवाइन के प्रति सरेंडर करके कीजिए। मेक इट गॉड्स अलोन। आई ऑफर दिस फॉर हाइएस्ट गुड टू बेनिफिट द प्लैनेट। रिलीज मी फ्रॉम एनी ब्लॉक्स रेस्ट्रिक्शंस। मे आई दिस सर्व ऑल हु नीड। आपका जो काम है ना, आप, मैंने कहा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। बहुत दिनों से आप कोई बिजनेस करना चाह रहे थे या बिजनेस आप कर भी रहे हो, लेकिन यहाँ आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ बिजनेस का ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, तो आपको वो ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो तो वो भगवान के ऊपर समर्पित करके करें। यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है एंड कोई भी रिलीजियन के पर्सन हो सकते हो, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम टू एवरीवन इन आवर चैनल, ठीक है। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग भी है, मेल फीमेल आप दोनों देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये मैसेजेस अच्छा लग रहा है, ये रीडिंग अच्छा लग रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। और कौन सी बातें हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको कहा जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए, जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी चीज़ आपके पास है, आप अगर ग्रैटिट्यूड शो करते भी हो तो इनक्रीज़ कीजिए उस एन्जॉयमेंट। ये कार्ड पहली बार आया है, मैंने जितने भी रीडिंग्स की है ना लास्ट 2 मंथ्स में, ये कार्ड पहली बार आया है। वाटर साइन पीपल, आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है। अगर आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपना जो नेचर है, अपना वैल्यू जो है वो इनक्रीज़ किया है, अपने ऊपर अगर काम किया है, इस न्यू मून से आपको वो चेंजेस देखने को मिलेगा। माय गॉड, स्टर्विंग एंड पुशिंग मेक्स लाइफ इनटू एंडलेस हार्ड वर्क। द मोर यू आर इनवाइटिंग लव टू टेक ओवर, द मोर एन्जॉयमेंट कम्स। अलाउ मी टू एन्जॉय दिस लाइफ डियर लॉर्ड। आपको ना मज़ा आने लगेगा। वो एक डायलॉग है ना कि पहले तो मजबूरी में करते थे लेकिन अब मज़ा आ रहा है, ठीक है, अब आपको ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। शुरू शुरू में मजबूरी में करना स्टार्ट किए थे आप, लेकिन अब मज़ा आने लगा है आपको। थैंक यू सो मच। डिवाइन टाइमिंग, करेक्ट, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है। द डिवाइन ब्रिंग्स थिंग्स इन द टाइमिंग दैट वी नीड, नथिंग कम्स बिफोर वी आर प्रिपेयर्ड नॉर लीव्स टू अर्ली। जब हम फाइनली रेडी हो जाते हैं ना, तो डिवाइन हमें वो चीज़ दे देता है, ना ही आगे ना ही पीछे। मे आई ऑलवेज ट्रस्ट योर परफेक्ट एंड होली टाइमिंग डियर लॉर्ड। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके लाइफ में ये रीडिंग अभी आना ही लिखा था, ठीक है। ये परफेक्ट टाइम में आपको मिल रहा है, ये मैसेजेस जो भी है वो आपको परफेक्ट टाइम में ही मिल रहा है। कॉन्फिडेंस, आपको कहा जा रहा है डिवाइन कॉन्फिडेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेवाडो ऑफ द ईगो। यू मेक स्पेस फॉर समथिंग लार्जर टू टेक होल्ड। प्लीज फिल मी विथ योर कॉन्फिडेंस ओ लव, ग्रांट मी करेज आई नेवर न्यू आई हैड। आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो ईगो और कॉन्फिडेंस अलग बात है। ईगो क्या करता है, ईगो हमेशा कहता है कि मुझे करना है, मुझे हर चीज़ इसको ठीक करना है, मैं ही ठीक करूँगी, ठीक है, मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करूँगी, इसको कहते हैं ईगो। और कॉन्फिडेंस क्या है, मुझे पता है ये चीज़ हो जाएगा, मुझे पता है ये चीज़ मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है मुझे मेरा डिज़ायर मुझे मिल जाएगा, भगवान है, डिवाइन पावर मेरे साथ है, आई नो इट विल हैपन। तो आप क्या करते हो, आप रिलैक्स करते हो, अपने ऊपर ग्राउंड, आप ग्राउंडेड फील करते हो, आपको कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपको और ट्रिगर नहीं कर सकता। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो रहे हो। आप, मैंने कहा ना कि आपको ऐसा फील होगा कि यस आई डिड इट, यानी आप अपने डिवाइन के प्रति जो ट्रस्ट दिखाया है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो एंजल कार्ड की तरफ से देख लेते इस न्यू मून में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ ओके, बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। खुद से ही आ रहा है, आपका जो एनर्जी है वो बहुत प्लेफुल एनर्जी में फील कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। और आप इम्प्रूव कर रहे हो, थैंक यू। ओके ओके, जो भी आ गया है यही कार्ड्स हम लेने वाले हैं। ट्रस्ट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, नो का कार्ड आया है, ओके, एंड आया है अबंडेंस। ठीक है, तो सिंपल बात आपको ये कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट दिखा रहे हो, डेफिनेटली आपको ट्रस्ट का जो आंसर है, जो रिप्लाई है वो आपको देखने को मिलेगा। आस्क फॉर अदर्स,
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दूसरे से मदद लेने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि आप मांगिए, अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप बेझिझक उनसे मांगिए। कोई फाइनेंशियली कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है जो आपको फाइनेंशियली मदद कर सकते, तो उनसे आप हेल्प मांगिए। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। यहाँ पे नो का कार्ड जो आया है वो है, इस वक्त नेगेटिव सोचने का नहीं है कि अगर नहीं मिला तो, डाउट क्रिएट करने का बिल्कुल नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है नो, उस नेगेटिव एनर्जी को पावर मत दो। एंड यहाँ पे है अबंडेंस, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, यहाँ मुझे फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ ऐसे भी हेल्प है जैसे कि मैंने बहुत बताया आपको, स्विच वर्ड्स आपको मिलेगा, जिसके ज़रिए आपको अपने लाइफ में बहुत सारी तरक्की देखने को मिलेगा। फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो आपके लाइफ में जो भी फैमिली इश्यूज़ है, आप अपने पेरेंट्स के साथ है या रिलेटिव्स के साथ है, वो भी मुझे रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो वाटर साइन पीपल, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा हो। लास्ट मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है, वो है आप लोग घूमने जाने वाले हो या आप लोगों का ट्रैवल प्लान बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिप, मुझे ट्रिप वर्ड सुनाई दिया, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप में जाने वाले हो, यहाँ पे ट्रिप मुझे दिख रहा है। ओके, तो यही कुछ मैसेजेस है वाटर साइन पीपल, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा और कौन से टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।